तो इस वीडियो के बाद आप प्रीमियर प्रो के मास्टर तो बनोगी और साथ ही में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडिट और फॉर्मूलाज को सीखोगे जिनका यूज करके आप ना बहुत आगे तक जा सकते हो और इन सबको आजकल के सो कॉल फेक वीडियो एडिटर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। तो क्या चल रहा है आजकल YouTube में? आजकल YouTube में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन इतने दिनों के बाद आप सब लोगों से मुलाकात होके मुझे बेहद खुशी हुआ। खैर, मैं आज आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ क्रिलब कैसे अपने वीडियोस को एडिट करती है, या फिर यू बोलो कैसे मैं क्रिलब चैनल के वीडियोस को एडिट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप में से 90% लोग क्रिलब या फिर यू बोलो पिछवाड़ा गर्ल को तो जानते ही होंगे, इसलिए इस वीडियो पे क्लिक किया है। जिनको नहीं पता, अगर मैं बोलूं तो क्रिलब इंडिया से है और जापान पे रह के शिनचैन लाइफस्टाइल और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर व्लॉग्स बनाती है और जिस पे मिलियंस के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। तो मैं ना यूट्यूब से इतने दिन तक गैप लेके प्रीमियर प्रो के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो या फिर बोलो कोर्स बनाने वाला था, लेकिन मेरे को फिर से लगा कि इसमें ज्यादातर लोगों को अच्छे से समझ नहीं भी आ सकते या ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, तो इसलिए ना मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया। तो इस वीडियो के बाद आप प्रीमियर प्रो के मास्टर तो बनोगी और साथ ही में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडिट और फॉर्मूलाज को सीखोगे जिनका यूज करके आप ना बहुत आगे तक जा सकते हो और इन सबको आजकल के सो कॉल फेक वीडियो एडिटर्स आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे ना उनका धंधा जो बंद होने वाला है। वीडियो को पूरा देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस एडिटिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ प्रीमियर प्रो, ऑलरेडी मैंने इंट्रो पे बोल ही दिया है। तो प्रीमियर प्रो ओपन करके हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे हाउ टू एडिट लाइक क्रिलब प्रोजेक्ट बना लिया है। प्रोजेक्ट बनाना एकदम इजी, आपको आई गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फोल्डर यहाँ पे एड कर लिया है ऑलरेडी, ताकि हमको एडिट करने में आसानी हो। ये आपके ऊपर है, आप बनाओ या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 24 आवर्स इंडियन क्लॉथ चैलेंज, यहाँ पे एक फोल्डर है जहाँ पे हमारा सारे रॉ फुटेजेस है और यहाँ पे 24 आवर्स शिनचैन चैलेंज नाम का एक वीडियो है जो कि मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखा है पहले। तो इस तरीके का हम लोग एडिट करने वाले ये वाला वीडियो, तो आप रेफरेंस के हिसाब से ये वाला वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे म्यूजिक एंड इफेक्ट्स नाम का एक फोल्डर बना के रखा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो जितने भी एसेट्स या बोलो आप जितने भी जरूरी चीजें चाहिए, एसेंशियल चीज है वीडियो एडिट करने के लिए, जो जो मैंने यूज किया इस वीडियो पर, सबका लिंक मैं आपको फ्री में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रॉ फुटेजेस का फोल्डर को ओपन करेंगे, वहां से एक आध दो वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा वीडियो हमको पहले लगाना है। ये बेसिक सा चीज है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, तो ये वाला वीडियो हमको पहले लगाना है, तो यहाँ से इसको खींच के मैं प्रीमियर प्रो पे ड्रैग कर दूंगा इंपोर्ट टू स्टार्ट मीडिया वाले सेक्शन पे, जैसे कि देख सकते हो लेफ्ट साइड पे। और यहाँ से जो वाला पोर्शन हमको चाहिए बैरिकेड लगा के उसको हम खींच के नीचे लेके आएंगे। और राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ से आप एडिटिंग स्टाइल को चूज कर सकते हो, मतलब किस तरीके का आपको विंडो आएगा। तो मैं यहाँ पे एसेंशियल चूज करता हूँ जो कि बेस्ट लगता है मेरे को। तो सबसे पहले हमको ऑडियो का जो टाइमलाइन है उसको जूम करना है, उसके लिए हम लोग लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे जाके कंट्रोल या फिर कमांड प्लस माउस व्हील को अप डाउन करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। और उसके बाद हम लोग म्यूजिक वाले फोल्डर पे जाके साउंड इफेक्ट से कुछ साउंड को चूज करेंगे जो कि हमारे वीडियो के साथ मैच करता हो। तो यहाँ से हम ये वाला साउंड इफेक्ट को ड्रैग करके अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या फिर आप बोल सकते हो छोड़ देंगे। देन यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू बिन यानी फोल्डर बना लेंगे, यहाँ पे हम सारे SFX को रखेंगे। देन उस साउंड इफेक्ट को या फिर SFX को ड्रैग करके नीचे ऑडियो लेयर के नीचे ला देंगे, जहां तक हमको चाहिए वहां से हम कट लगा लेंगे। और कट करने के लिए सिंपली आप सी दबा सकते हो जिससे कि आपका रेजर टूल आ जाएगा, फिर से आप वी दबाओगे तो आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। देन यहाँ पे फिर से हम लोग एक न्यू विन का फोल्डर बनाएंगे और वहां पे हम लोग फोटोज करके सेव कर देंगे और वहां से हम लोग हमारा एक मन पसंदीदा फोटोज यहाँ से चूज कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी फोटोज यूज कर सकते हो, बाय द वे ये सारे फोटोज मैं आपको दे दूंगा। देन उसके बाद हम लोग कट लगाएंगे कहां पे हमको ये वाला फोटोज यूज करना है। कट लगाने के बाद हम लोग सिंपली वीडियो वाला लेयर ड्रैग करके ऊपर कर देंगे और नीचे वाला जो पोर्शन हमने खाली किया अभी वहां पे फोटो को पेस्ट कर देंगे या फिर बोलो छोड़ देंगे। देन यहाँ से राइट साइड पे इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाके वीडियो वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप वॉच जैसा एक आइकन है जो कि हम लोग की फ्रेम बोलते हैं प्रीमियर प्रो में, उसको स्केल एंड पोजीशन पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देन थोड़ा देर आगे जाके इसको 100% से हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जैसे हमको अच्छा लगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक सिंपल एनिमेशन बन जाएगा। देन उसके बाद हम लोग एसेट्स वाले फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे मैंने एक शिनचैन का ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज को डाउनलोड किया था एंड यहाँ से ये वाला शिनचैन का जो ये वाला इफेक्ट है, मतलब ऐसे नाच रहा है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे बैरिकेड लगा के एंड ऊपर हम लोग ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन स्क्रीन है, तो हम लोग इफेक्ट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे लेफ्ट साइड ऊपर पे, देख सकते हो इफेक्ट वाला फोल्डर है और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अल्ट्रा की जो कि ग्रीन स्क्रीन का होता है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम शिनचैन वाले क्लिप के ऊपर, देन यहाँ पे की कलर पे सिलेक्ट करके ड्रॉपर हम लोग ग्रीन स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारा ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। देन उसके बाद हम शिनचैन का जो साइज है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि वीडियो के हिसाब से अच्छा लगे, देख सकते हो। और शिनचैन वाला क्लिप थोड़ा सा बाद से स्टार्ट हो इसलिए हम लोग ड्रैग कर देंगे
देंगे इसको, देन यहाँ पे इसका पोजिशन को हम लोग एकदम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, देख सकते हो ऊपर पोजिशन स्केल पे जाके, देन उसके बाद फिर से वो वाला क्लिप का एकदम फर्स्ट पोर्शन पे जाके पोजिशन एंड स्केल पे जाके हम लोग स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग छोटा वाला शिनचैन को वीडियो फ्रेम से एकदम बाहर कर देंगे, देन कुछ फ्रेम वीडियो के आगे जाके शिनचैन को वापस से यहाँ पे ला देंगे, जैसे कि देख सकते हो इससे हमारा शिनचैन ऐसा नाचता हुआ साइड में आ जाएगा। एंड उसके बाद जहां से डांस खत्म होता है शिनचैन का, उसके बाद हम लोग सिंपली एक फ्रेम बाद पोजिशन एंड स्केल पे और एक की फ्रेम को एड करेंगे, देन एकदम आखिर में जाके जहां से हमारा वीडियो खत्म होता है वहां पे जाके फिर से हम लोग शिनचैन को लेफ्ट साइड पे बाहर कर देंगे पोजीशन पे सिलेक्ट करके, तो इससे हमारे आने और जाने वाला इफेक्ट क्रिएट होगा। और उसके बाद हम लोग वही वाला क्लिक को ऑल्ट प्रेस करके माउस से ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमारा एक कॉपी लेयर बन जाएगा सेम उसका। तो यहाँ पे हमारा दो दो शिनचैन आ चुका है, नया वाला कॉपी वाला शिनचैन का हम लोग जितने भी की फ्रेम बनाए थे उसको डिलीट कर देंगे और सेम उसी पोजीशन पे जाके हम लोग ऑपोजिट साइड में वाइस वर्सा कर देंगे की फ्रेम का, और उसके बाद दोनों शिनचैन लेफ्ट और राइट से बीच में आके बाहर चला जाएगा। और इससे मिलता जुलता हम एक साउंड इफेक्ट यहाँ से ऐड कर देंगे इधर, जैसे कि देख सकते हो, जिससे कि शिनचैन जो आ रहा है उसके साथ मैच करे। और इस ऑडियो लेयर को थोड़ा सा जूम करके इसका ओपेसिटी या फिर बोलो इंटेंसिटी वॉल्यूम का उसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि अच्छा लगे हमको। और हमारा शिनचैन वाला डांस थोड़ा सा भरा था इसलिए हमको दो बार कॉपी कर लिया है सेम ऑडियो को ऑल्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करके, तो अभी देख सकते हो काफी अच्छा एक डांस इफेक्ट बन चुका है। और उसके बाद हम लोग फिर से इफेक्ट्स पे जाएंगे, जाने के बाद मल्टी बैंड कंपोजर, जैसे कि देख सकते हो ये इफेक्ट को हम सर्च करेंगे, ये बहुत ही एसेंशियल एंड मैंडेटरी है आप अगर व्लॉग्स बनाते हो और आपका वॉइस अगर क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग मल्टी बैंड कंपोजर के सेटिंग और वहां से हम लोग डिफॉल्ट से ब्रॉडकास्ट में सिलेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा ऑडियो में रात और दिन का डिफरेंस आ जाएगा। देन जो इफेक्ट हमने अभी बनाया है मल्टी बैंड कंपोजर के साथ, सिंपली हम इस क्लिप को कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिर्फ से राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट कर देंगे, और यहाँ पे देख सकते हो वीडियो का कोई भी हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा सिवाय ऑडियो के, जो कि है मल्टीबैंड कंपोजर, तो ओके कर देंगे तो सेम इफेक्ट इसमें भी लग जाएगा। तो इसको अगर मैं ऑफ ऑन करके दिखाऊं तो रात दिन का डिफरेंस आप देख ही सकते हो। और उसके साथ हम लोग और एक क्रिलव के बातों के साथ मिलता जुलता साउंड इफेक्ट को ऐड कर देंगे और पी दबा के पेन टूल लाके इसको हम कर्व का एक शेप दे देंगे ताकि ये अच्छे से फेड आउट हो सके और नेक्स्ट क्लिप के साथ ये मैच हो पाए। और उसके बाद हम लोग अभी ये वाला इफेक्ट यूज करने वाला है, जो कि मैं ज्यादातर यूज करता हूँ क्रिलव के वीडियोस पर, जो कि एक ट्रांजिशन है एंड दिखने में काफी सही लगता है। तो इसके लिए हम लोग और एक नया क्लिप को ऐड करेंगे व्लॉग का और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक ट्रांजिशन, जिसके लिए 20 एस्थेटिक ट्रांजिशन पैक मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था, ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आपको बीच में ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको हमको बनाना है। तो वही वाला पोर्शन मैं बैरिकेड के साथ यहाँ से वीडियो लेयर को चूज करके हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर डाल देंगे। देन इसके स्पीड ड्यूरेशन को हम लोग 200 कर देंगे, क्योंकि ये बहुत स्लो था और हमारे क्लिप के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो 200 करने के बाद ये प्रॉपर मैच हो रहा था, जिसके बाद इस वीडियो पे कहां से ये पूरा फ्लिप होता है वहां पे हम लोग एम दबा के एक मार्कर लगा देंगे ताकि वो दोनों वीडियो के बीच में लाने में हमको आसानी हो, जैसे कि देख सकते हो। और उसके बाद सेम हम लोग अल्ट्रा की को चूज करके इसमें पेस्ट कर देंगे और यहाँ से कलर पिकर टूल से ग्रीन को हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे कि देख सकते हो जितने भी आगे के सारे क्लिप्स है उसको सिलेक्ट करना होगा, देन राइट क्लिक करके हम लोगों को करना होगा नेस्ट। नेस्ट करते ही सारा क्लिप एक ही क्लिप में बदल जाएगा और उसके बाद जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट होता है नेस्टेड वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग पोजीशन एंड स्केल पे फिर से की फ्रेम लगाएंगे। की फ्रेम लगाने के बाद जहां से ये वाला वीडियो छोटा होता है उसका साइज हम लोग कम कर देंगे, जैसे कि देख सकते हो। कम करने के बाद देख सकते हो नेक्स्ट क्लिप जो स्टार्ट होता है उसके लिए भी हमको सेम पोजीशन एंड स्केल पे की फ्रेम ऐड करके साइज को इसके हिसाब से छोटा कर देना होगा। देन थोड़ा आगे जाके हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे 100% में, और इसके लिए हम लोग एक मिलता जुलता SFX को भी यूज करेंगे वहां से ही जहां से मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो उस साउंड इफेक्ट को हम लोग सिंपली इस ट्रांजिशन के मूवमेंट के नीचे पेस्ट कर देंगे तो काफी अच्छा हमारा एक ट्रांजिशन बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग और एक आध दो साउंड इफेक्ट या फिर SFX को वीडियो के नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो कृति बोलता है सोचो सोचो, और वहाँ पे हम लोगों ने जो इफेक्ट यूज किया है उसके हिसाब से की फ्रेम लगा के कृति के इफेक्ट को थोड़ा सा जूम कर देंगे दो बार, जैसे कि देख सकते हो ये एक बार हुआ, देन दूसरा साउंड इफेक्ट के थोड़ा सा आगे दो की फ्रेम आगे हम लोग और एक थोड़ा सा जूम कर देंगे। तो ये काफी अच्छा एक आई कैचिंग इफेक्ट बन जाता है जो कि ऑडियंस को हुक करके रखने में मदद करता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एंड एक नया क्लिप को ऐड करेंगे, एंड नया क्लिप को ऐड करने के बाद
सबसे पहले हम लोग वही चीज को पेस्ट करेंगे जो कि मल्टीबैंड कंपोजर वाला इफेक्ट था। एंड जो क्लिप के बीच में आपको लगे कि यहाँ पे कोई फैंसी ट्रांजिशन यूज करना नहीं चाहिए, छोटा सा ट्रांजिशन चाहिए, तो दोनों क्लिप के बीच में आप लोग राइट क्लिक करके अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन भी कर सकते हो एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, जिससे कि आपका एक चुटकी में फेड ट्रांजिशन बन जाएगा। इस पोर्शन पे जहाँ पे कृति बोलता है 24 आवर इंडियन क्लोथ चैलेंज, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग कट कर लेंगे एंड उसके बाद स्पीड ड्यूरेशन पे जाके इसको 120 कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग दोस्तों कैपकट पे चले आएंगे। हाँ जी दोस्तों, कैपकट पे इसलिए चले आएंगे क्योंकि ये वाला चीज आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी कट सकते हो, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे न्यू प्रीमियर प्रो यूजर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है एंड वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है कटआउट वगैरह करने में। बट आप पीसी में आसानी से कैपकट का यूज करके अपने सब्जेक्ट को कटआउट कर सकते हो। तो जो वाला फुटेज हमने अभी यूज किया था 24 आवर्स इंडियन क्लोथ चैलेंज वाला, उस फुटेज को हम लोग यहाँ पे एड कर देंगे एंड उसके ऑडियो को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे फुटेज को सिलेक्ट करके आप सिंपली कटआउट पे चले जाना, देन ऑटो कटआउट पे आप अगर टैप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड पे आपके वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से कैपकट यहाँ पे कटआउट कर देगा। आफ्टर इफेक्ट्स में जो रोटो ब्रश होता है उसका काम ये आसानी से कर देगा। देन उसके बाद हम लोग एक सिंपली ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो यहाँ पे ला देंगे, देन इसको सिंपली हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका 2 मिनट लेगा, आपका काम हो जाएगा। ये होने के बाद हम लोग ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज जो अभी बनाया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रीमियर प्रो के ऊपर छोड़ देंगे इंपोर्ट वाले सेक्शन पे, जहां से ये कृति बोलता है 24 आवर्स इंडियन क्लोथ चैलेंज एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ पेस्ट करके ग्रीन स्क्रीन का अल्ट्रा की लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उंगली मैच नहीं कर रहा क्योंकि प्रीवियस वाले वीडियो पे हम लोगों ने उसको 120% स्पीड किया था, तो सेम स्पीड हमको इसी वीडियो पे भी करना है। करने के बाद आपका वीडियो मैच हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने 24 आवर्स करके गूगल पे सर्च किया। यहाँ पे एडवांस पे जाके आप कलर पे अगर ट्रांसपेरेंट करते हो गूगल पे, जितने भी फोटो आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ट्रांसपेरेंट या फिर पीएनजी में होंगे, तो आपको अलग से उसको पीएनजी में कन्वर्ट करना नहीं होगा। तो ये वाला फोटो सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे टी दबा के टेक्स्ट टूल लाके इंडियन क्लोथ चैलेंज करके हम लोग एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग कंट्रोल ए करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों का इफेक्ट सेक्शन पे होता है वहां पे राइट साइड पे यहाँ पे हमको टेक्स्ट को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे मैं वैल्यून नाम का टेक्स्ट एक यूज कर रहा हूँ, ये आपको फ्री में डाफॉन्ट में मिल जाएगा। तो इसको मैंने हमारा जो इंडियन फ्लैग होता है उसके हिसाब से ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन किया था, लेकिन उसके बाद मेरे को उतना जमा नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने इसी टेक्स्ट का 2 कॉपी मतलब टोटल 3 टेक्स्ट बना दिया है यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करके। और उसके बाद हमने जो अभी टेक्स्ट को कॉपी किया है ऑल्ट एंड ड्रैग करके, उसका जो हम लोग विजिबिलिटी है यहाँ पे आई पे जाके हम लोग इसको बंद कर देंगे ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि नीचे वाले सेशन को हम लोग पहले यूज करेंगे। और आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हो ये ग्रीन स्क्रीन लेयर है, एकदम ब्लू कलर वाला जो है वो मेन लेयर है, देन उसके ऊपर जो 2 टेक्स्ट लेयर है वो हमारा अभी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट लेयर है और उसके ऊपर और भी हम लोग एक टेक्स्ट लेयर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इंडियन क्लोथ चैलेंज था उसका इंडियन क्लोथ को डिलीट करके सिर्फ चैलेंज को रख देंगे एंड इसके साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और उसके बाद हम लोग सेकंड वाला लेयर जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था उसको विजिबल करके यहाँ से सिर्फ हम लोग क्लोथ को रख देंगे। क्लोथ को रखने के बाद इसका कलर को हम लोग थोड़ा बहुत छेड़खानी करेंगे, देन इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे क्योंकि ये पीछे अच्छा नहीं लग रहा था, तो जिसको मैंने ऊपर कर दिया। और आखिरी वाला जो टेक्स्ट था इंडियन लिखा हुआ एंड उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके उस पर स्ट्रोक लगाएंगे व्हाइट कलर का, जैसे कि देख सकते हो व्हाइट कलर का स्ट्रोक लगाने के बाद ये दिख नहीं रहा, लेकिन इसको हम लोग 4 पे सेट कर देंगे। देन फिल जो हमारा मेन कलर है उसमें सिलेक्ट करने के बाद सॉलिड ऊपर देख सकते हो, सॉलिड से हम लोग लीनियर ग्रेडियंट पे कर देंगे। पहले ऊपर हम लोग ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे इंडियन फ्लैग में होता है, देन उसके बाद नीचे हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर ग्रीन वाला कलर, देन लीनियर ग्रेडियंट के मैप पे बीच में हम लोग क्लिक करके एक एक्स्ट्रा स्टॉप ऐड कर देंगे, देन इस पे हम लोग ऑब्वियसली व्हाइट कलर को ऐड कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद हमारा प्रॉपर इंडियन फ्लैग वाला लुक यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने जो 24 आवर का पीएनजी फोटो डाउनलोड किया था उसको पेस्ट कर देंगे एंड उसमें की फ्रेम ऐड करके थोड़ा आगे जाके उसको जूम कर देंगे, जहां से हमको सही लगे थोड़ा फ्रेम आगे करके उसको अपना रियल पोजीशन पे सेट कर देंगे। देन उसके बाद हमारा जो चैलेंज वाला टेक्स्ट था उसके एकदम स्टार्टिंग पे हम लोग की फ्रेम लगा के उसको बाहर कर देंगे, देन टाइमलाइन पे थोड़ा सा आगे लाके उसको अपने पोजीशन पे सेट कर देंगे जैसे कि देख सकते हो, और इससे हमारा एक एनिमेशन बन जाएगा। एंड जैसे जैसे आप की फ्रेम को ऐड करते जाओगे ना राइट साइड पे आपको सारा फ्रेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको जूम इन और आउट भी कर सकते हो। और आपने जो की फ्रेम ऐड किया है उसका जो स्पीड है उसको आप अगर और स्मूथ बनाना चाहते हो तो दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके आप टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे जाके ऑटो ब्रीजर या फिर ब्रीजर कर सकते हो, जिससे कि जो आपका एनिमेशन अपने बनाए की फ्रेम के साथ वो ज्यादा स्मूथ लगेगा। और सेम सारे चीजें हम लोग बाकी टेक्स्ट के साथ भी करेंगे, किसी को ऊपर से लाएंगे तो किसी को लेफ्ट राइट से लाएंगे। और इन सब के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो साउंड इफेक्ट वाला हमारा फोल्डर था SFX, वहां से हम लोग 2-3 साउंड इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे,
जिससे कि काफी अच्छा सा एक इम्पैक्ट पड़े 24 आवर चैलेंज वाले पोर्शन पे होने वाला है जिसका। और उसके बाद हमारा जो बाकी वाला पोर्शन था वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन का पोर्शन यूज करेंगे जो हमने कैपकट से बनाया था, क्योंकि हमको ये वाला इफेक्ट बनाना है जैसे कि देख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए सिंपली वीडियो के ऊपर हम लोग ग्रीन स्क्रीन वाला लेयर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना तक हमको चाहिए वहाँ पे हम लोग कट लगा लेंगे। देन हम लोग वो वाला क्लिप चूज करेंगे व्लॉग में से जो कि हमको अच्छा लगे और उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे ग्रीन स्क्रीन लेयर के नीचे। जैसे कि देख सकते हो एक दो लेयर का आप गैप रख देना मेन लेयर और ग्रीन स्क्रीन के लेयर के बीच में जहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्लिप को ऐड कर पाओ। देन उसके बाद हम लोग उसके पोजीशन को थोड़ा सा राइट पे लेके आएंगे और राइट पे लेके आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन एक्स्ट्रा दिख रहा है, जिसके लिए हम लोग इफेक्ट सेक्शन पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्रॉप सर्च करेंगे, क्रॉप वाला इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो हम लोगों ने नया क्लिप अभी जस्ट ऐड किया उसके ऊपर डाल देंगे जो कि हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है, और उसको क्रॉप इफेक्ट के साथ लेफ्ट राइट जहां से आपको क्रॉप करना है, ट्रिम करना है या फिर अपने शेप पे लाना है आप ला सकते हो। तो ये होने के बाद सिंपली हम लोग दूसरा क्लिप लेंगे जो कि हम लोग लेफ्ट साइड पे यूज करेंगे। सेम उसी तरीके से इस क्लिप को भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे हमारा एक इफेक्ट आ चुका है। बाहर जाने वाली हूँ और क्या क्या करने वाली हूँ तो आज मैं और उसके बाद यहाँ पे क्रीला यानी कृति बोलता है यहाँ पे हम लोग जैपनीज करी और इंडियन करी को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे भी हम चाहे तो वैसा इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे जैपनीज करी का कोई भी इफेक्ट जो मतलब ब्लॉक से मिलता जुलता हो वो क्लिप को नीचे ला देंगे मेन क्लिप के डायरेक्ट नीचे। देन हम लोग मेन क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपेसिटी में आपको एक सर्कल का मार्क्स देखने को मिल जाएगा जिसको आप अगर सिलेक्ट करोगे तो ये एकदम कंप्लीट सर्कल नहीं होगा जो कि दिखने में काफी ऑड सा लग सकता है। तो आप इसको सिंपली कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके इसको आप अगर ड्रैग करोगे या खींचोगे तो ये अपने आप प्रॉपर सर्कल पे आ जाएगा। देन इस चीज को आप मिडिल में जाके मूव भी कर सकते हो एंड उसके बाद इसका पोजीशन भी हम लोग जैसा हमको चाहिए वैसा सेट कर देंगे। और हम अगर इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये मतलब इसका कटआउट जो है सर्कल का अच्छा नहीं लगेगा। तो मार्क्स में जो मार्क्स फेदर है इसको हम लोग 60% कर देंगे और इससे मिलता जुलता जितने भी क्लिप्स है इसके नीचे हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद देख सकते हो काफी अच्छा सा एक सर्कल बन जाएगा जहां पे क्रीलब भी दिखेगा एंड वो जो बोल रहा है उसका क्लिप भी हमको नीचे दिखने को मिल जाएगा। देन इसको हम अगर ऐसे ही रख देंगे तो नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट होने के बाद हमको वो एकदम स्मूथ एक एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाकी का जो क्लिप है एक कट लगाएंगे छोटा सा पोर्शन जहां से वॉइस भी रहे एंड क्लिप भी पिछले वाला ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग छोटा सा क्लिप को कट लगाएंगे, देन इसको हम लोग अनलिंक करेंगे ताकि वीडियो वाला पोर्शन डिलीट करने से भी ऑडियो वाला पोर्शन रह जाए। और जो सर्कल वाला पोर्शन था उसको हम लोग ड्रैग करके आगे की ओर ला देंगे। कुछ फ्रेम हम लोग आगे जाएंगे, देख सकते हो 2-3 फ्रेम, इस पे हम लोग पोजीशन और स्केल पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन कुछ और थोड़ा सा फ्रेम आगे जाके एकदम ओरिजिनल पोजीशन पे ला देंगे और उसके बाद हम लोग सेम उसी पोजीशन पे जाएंगे जहां से हम लोगों ने की फ्रेम ऐड किया था पहला, और वहां पे मास्क एक्सपेंशन पे हम लोग और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और थोड़ा आगे जाके मास्क एक्सपेंशन को हम लोग पूरा 100% या फिर पूरा फिल कर देंगे जिससे कि हम लोगों का एक अच्छा से इफेक्ट आ जाएगा वो सर्कल बड़ा होने का एंड वो काफी सही भी लगेगा। और इससे मिलता जुलता हम लोग इसके नीचे एक वूश इफेक्ट को भी ऐड कर देंगे जो कि सोने पे सुहागा का काम करेगा हमारा जैसे कि देख सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग नया क्लिप ऐड करें उससे पहले हम लोग एक छोटा सा ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि बनाना बहुत इजी है बट दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। क्रीलब के वीडियोस पे ज्यादातर ये वाला ट्रांजिशन हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई सा भी फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम लोगों को कितना ट्रांजिशन चाहिए उतने हिसाब से वीडियो को रख लेंगे या फिर फोटो को रख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग उसको स्केल टू फ्रेम साइज पे कर देंगे ताकि ये पूरा स्क्रीन पे आ जाए एंड सेम वही फर्स्ट पोर्शन पे जाके पोजिशन एंड स्केल पे जाके हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करेंगे एंड इसके पोजिशन को जितना हो सके एकदम राइट साइड की तरफ हम लोग लेके आएंगे। देन उसके बाद इस फोटो के हम लोग एकदम आखिरी पोर्शन पे जाके इसको हम लोग लेफ्ट पोर्शन पे लेके आएंगे जिससे कि हमारा बैकग्राउंड पे एक अच्छा सा एनिमेटेड फोटो आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर शिनचैन से हम लोग एक कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, इसको भी सेट टू फ्रेम साइज कर देंगे जैसे कि देख सकते हो या फिर स्केल टू फ्रेम साइज कर देंगे एंड जो अभी हम लोगों ने ट्रांजिशन बनाया उससे मिलता जुलता हम लोग एक ग्लिटर वाला इफेक्ट को यूज करेंगे जैसे कि देख सकते हो एंड इसको हम लोग थोड़ा सा आगे से यूज करेंगे ताकि वीडियो पे ये पूरा ब्लेंड हो जाए ये वाला ट्रांजिशन जैसे कि देख सकते हो। एंड जितना हद तक हम लोग चाहिए उसको कट लगा देंगे। देन पेन टूल से हम लोग यहाँ पे स्लोप बना लेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ ताकि अच्छे से फेड इन और फेड आउट हो सके और हमारा क्लिप एकदम बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। देन उसके ऊपर हम लोग और एक सीने ट्रांजिशन करके ट्रांजिशन ऐड कर देंगे जो कि मैंने खुद से बनाया है। तो इसका ब्लेंड मोड को हम लोग लीनियर डॉज पे कर देंगे जिससे कि ये काफी अच्छा एक शटर फ्लैश कैमरा फ्लैश जैसा ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा और उसके बाद ये एकदम प्रॉपर ट्रांजिशन में बदल जाएगा। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो आखिरी में क्लिप ऐड किया है उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बहुत ज्यादा
आ रहा था। तो उसके लिए हम लोग इफेक्ट सेक्शन पे जाके डीनॉइज करके सर्च करेंगे एक इफेक्ट, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑडियो लेयर पे ला देंगे। देन सेम इफेक्ट कंट्रोल पे जाके डीनॉइज के एडिट पे जाएंगे हम लोग, और इसका जो अमाउंट है हम लोग 10 या 11 पे रख देंगे, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड नॉइज भी कट जाएगा और हमारा ऑडियो भी काफी क्लियर हो जाएगा। और अभी हम लोग इसके बाद मेन पोर्शन को बनाएंगे जो कि है इसका इंट्रो। तो इसके लिए हम लोग जो बैकग्राउंड म्यूजिक या ऑडियो बोलो अब यूज करेंगे वो थीमेटिक का यूज करेंगे। और थीमेटिक का ऑडियो कैसे हम लोगों को यूज करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, या फिर कैसे आप अपने व्लॉग चैनल के लिए अच्छे अच्छे ऑडियोस को, अच्छे अच्छे म्यूजिक को यूज कर सकते हो, कहां से डाउनलोड करना है, कौन से म्यूजिक को आपको यूज करना ताकि बहुत अच्छा दिखे, कौन से वीडियो पे आपको कैसा म्यूजिक यूज करना है, उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं। तो उसके लिए आप वेट करना, लेकिन आप डायरेक्टली थीमेटिक का ऑडियो का यूज मत करना, उससे आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। बट आप उसको फ्री में अकाउंट बना के यूज कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूं। तो यहां पे हम लोगों ने एक थीमेटिक से काफी अच्छा सा लोफाई बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज किया है, और उसके बाद जो पोर्शन हमको चाहिए वहां पे बैरिकेड लगा के जहां से बेस ड्रम स्टार्ट होता है जैसे कि देख सकते हो, और जहां से आखिरी वाला क्लिप स्टार्ट होता है वहां से हम लोग सेट कर देंगे, ताकि जैसे ये वाला क्लिप स्टार्ट हो और हमारा इंट्रो स्टार्ट हो वहां से ये बेस ड्रॉप के साथ स्टार्ट हो। और ये वाला टेक्निक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, और वो जो बेस ड्रॉप स्टार्ट होता है उससे आगे से हमको एक स्लोप बना देना है ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए और ब्लेंड हो जाए और बेस ड्रॉप वाले इंट्रो क्लिप के साथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस व्लॉग से अच्छे अच्छे फुटेजेस होंगे, अच्छे अच्छे ग्लिम्स होंगे आप बोल सकते हो, उसको हम लोग हर एक बेस ड्रॉप के साथ साथ कट आउट करके पेस्ट करते जाएंगे। तो ये अगर दिखाने जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस एडिटिंग ट्यूटोरियल को देख सकते हो, वहां पे मैंने ये फोन पे भी करके दिखाया है। तो हमारा इंट्रो बनके रेडी हो चुका है, और इंट्रो खत्म होने के बाद जहां से व्लॉग स्टार्ट होगा उससे पहले भी हम लोग एक छोटू सा ट्रांजिशन यूज करेंगे, क्यूट सा ट्रांजिशन जो कि प्रीवियस में हम लोगों ने बनाया था, जैसे कि देख सकते हो सेम ट्रांजिशन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो हमारा व्लॉग का स्टार्टिंग से लेके हुक पार्ट से लेके इंट्रो तक और व्लॉग के स्टार्टिंग तक काफी अच्छे से बन चुका है। और अभी अगर देखने जाए तो यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है, तो अभी व्लॉग में जो जो चीजें हुआ है वो सब मैंने ऐड किया है, और सेम चीजें ही मैंने यूज किया है। मतलब कहीं पे अगर मेरे को ट्रांजिशन यूज करना हुआ तो वहां पे मैंने ट्रांजिशन यूज कर दिया, और कहीं पे अगर साउंड इफेक्ट यूज करना हुआ तो साउंड इफेक्ट यूज किया। लेकिन जो जो मेजर और इंपॉर्टेंट या फिर बोलो 100% इफेक्टिव सेटिंग और एडिटिंग था वो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई दिया, और बाकी के पोर्शन पे मैंने यही सब यूज किया है। और उसके बाद अभी अगर हम क्लिप को शुरुआत से स्टार्ट करें या प्ले करें, मतलब ऐसा लगता है काफी थोड़ा सा मंदा मंदा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ चीज की तो कमी है। तो वो चीज है जैसे कि ये शिनचैन के ऊपर या फिर 24 क्लॉथ्स के ऊपर वीडियो है, तो वैसा सा हम लोग एक इफेक्ट को यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग शिनचैन का जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है उसको हम लोग कॉपी करके वीडियो के स्टार्टिंग पे, जैसे वीडियो का स्टार्टिंग होता है वहां पे पेस्ट कर देंगे जैसे कि देख सकते हो। लेकिन इसका इंटेंसिटी हम लोगों को कम करना होगा, या आप -25 या -23 अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और जहां से हमारा इंट्रो स्टार्ट होता है वहां तक हम लोग इस ऑडियो को ऑल्ट प्रेस करके होल्ड करके कॉपी करते जाएंगे जहां से हमारा इंट्रो स्टार्ट होता है। और जैसे इंट्रो वाला म्यूजिक हिट होता है उससे पहले हम लोग एक स्लोप बना देंगे ताकि काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट यहां पे रेडी हो चुका है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं शिनचैन की नना को दीदी, और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे पता है आप यही सोच रहे हो ना कि आज मैंने इंडियन कपड़े क्यों पहने हैं। सचो सचो, क्योंकि क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है 10 for hours इंडियन क्लॉथ्स चैलेंज। यानी मैं आज इंडियन कपड़े पहन के बाहर जाने वाली हूँ, और क्या क्या करने वाली हूँ। तो आज मैं जाऊंगी जापानीज करी खाने, जो कि स्पाइसी वाला करी है, और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि इंडियन करी और जापानीज करी में डिफरेंस क्या है। आप एक्साइटेड हो ना? सो देर किए बगैर चलो चलते हैं। सो फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ, और इस जगह का नाम है नाम्बा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे घूमने वाली हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी जापान की करी शॉप में। सो चलो चलते हैं। और मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बाकी का जो पोर्शन है आप अगर देखना चाहते हो तो क्लिप के चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो आप अगर प्रीमियर प्रो को यूज करना नहीं जानते हो तो सेम टेक्निक का यूज करके, सेम एडिटिंग का यूज करके आप अपने व्लॉग पे चांद चांद लगा सकते हो। तो बाकी अभी अगर बात करें एक्सपोर्ट सेटिंग का, तो प्रीमियर प्रो में आप सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाके एक्सपोर्ट मीडिया कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल एम दबा सकते हो, कंट्रोल या कमांड एम कीबोर्ड पे दबा सकते हो। और जो मेन चीज यहाँ पे आता है वो आता है हमारा फ्रेम रेट। क्लिप के वीडियो के हिसाब से मैं यहाँ पे फ्रेम रेट 30 रखता हूँ जैसा रहता है, और रेंडर एट
मैक्सिमम डेप्थ पे कर देता हूँ और यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी इन दोनों को चेकआउट कर देता हूँ। और बाकी अगर हम लोग बात करें बिटरेट की, तो बिटरेट इनकोडिंग पे हम लोग VVR1 से CVR कर देते हैं, जो कि होता है कंस्टेंट बिटरेट, जैसे कि देख सकते हो। और आप अगर यहाँ पर रील एडिट करते हो तो VVR2 पे कर देना, तो वहां पे आप लोग लोएस्ट बिटरेट टारगेट से लेके मैक्सिमम बिटरेट टारगेट को सेट कर सकते हो। और यहाँ से हम लोग इसको 50 पे कर देंगे मैक्स। ज्यादातर मैं 4K पे रेंडर कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला वीडियो 1080p था तो मैं 1080p कर रहा हूँ। तो आपने एडिटिंग ट्यूटोरियल देख लिया, अभी मैं बोलूंगा आप लोग अगर अपने वीडियोस को एडिट करना चाहते हो इस तरीके से, व्लॉग को एडिट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बार बार इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हम लोग बचपन से पढ़ते आए सुनते आए, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। और उसके अलावा आप ट्यूटोरियल देख के एडिटिंग सीख चुके हो, तो अभी आपको क्लाइंट चाहिए, कैसे आप मेरे तरीके से क्लाइंट को हायर कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा, या फिर आप अगर यूट्यूबर हो कैसे आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने हाल ही में HP के साथ स्पॉन्सरशिप किया था, जो कि 1.25 लाख का स्पॉन्सरशिप था, तो मैंने कैसे वो स्पॉन्सरशिप लिया, आप कैसे ले सकते हो, जस्ट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करके, टेक वीडियोस से लेके जितने भी वीडियोस है सबका ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ। और उसी के साथ ही आप अगर मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस को या फिर मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हो लाइव आके, क्योंकि मैंने अपना ज्वाइन बटन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मेरे चैनल पर, तो जरूर से स्टे ट्यून रहेगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आखिर में ही बोलता हूँ सब्सक्राइब कर देना। एंड ये जो मैंने देखा है ना, बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब पे चल रहा है, मतलब एडिटिंग के नाम पे कुछ भी दिखा रहा है, कलर ग्रेडिंग के नाम पे कुछ भी दिखा रहा है, वीडियोग्राफी के नाम पे कुछ भी दिखा रहा है, एंड कुछ भी बना के व्यूज ले रहा है, एंड लोग मतलब देख रहे हैं लेकिन सीख कुछ नहीं रहा है, सीख कोई भी नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके, मतलब रूट में जाके कैसे एडिटिंग होता है, कैसे आपको करना है, सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो जरूर से हमारे साथ बने रहिएगा और सपोर्ट करिएगा, आपका सपोर्ट जरूर से मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ही जरूरी है एंड बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा देना। मैं मिलूंगा सब लोगों से ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर और एक ट्यूटोरियल पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।